पर यही फर्क है हमारे भाइयों में और इस मजमे में। हम मजारात के मुखालिफ और मुनकर नहीं है, मजारों वाले लोग हैं। हम औलिया इलाही की कद्र करने वाले, एहतराम करने वाले लोग हैं। मगर हमारे भाइयों में और हम में यही फर्क है कि वो इंसान कामिल पे रुके हुए हैं, हम इंसान अकमल तक जाना चाहते हैं। मालिक अश्तर इंसान कामिल, हजरत सलमान फारसी इंसान कामिल, अबू जर गफारी रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम इंसान कामिल, मगर अली इंसान अकमल, हुसैन मौला इंसान अकमल। एक साहब कहने लगे जी हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे आप कम जाते हैं, आपसे मुराद मेरे कबीले के लोग। तो मैं दिफा नहीं कर रहा, सही नहीं करते, जाना चाहिए, मगर ये तो इस मयार के लोग हैं, जब चाहे टिकट बनवाएं, वीजा लगवाएं और नजफ चले जाएं। जो हर हफ्ते मौला अली को सलाम करने जाता हो, जो जा सकता हो हर महीने इमाम हुसैन को सलाम करने, तो यकीनन इंसान कामिल का एहतराम होना चाहिए, मगर ये तो इंसान अकमल तक पहुंच रखता है, इसका तो जौक ही कुछ और है। मैं जिस जाविये से बात कर रहा हूं, अल्लाह करे मेरी बात में कहीं शुबा ना आ जाए, जो इसका जौक है, जो इसका जायका रूह है, इसका जायका रूह इंसान कामिल पे नहीं रुका हुआ, इसे तो तस्कीन ही नहीं होती जब तक करबला ना चला जाए। इसकी रूह का मयार ऊंचा हो चुका है। हाँ, नहीं जा पा रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि यहां भी गफलत हो जाए, वहां नहीं जा रहे। कराची के मोमिनीन पुरसा दे रहे, तो कराची में पाकिस्तान में दो हस्तियां हैं जिनके घर का गम है, जिनके घर का गम है, एक हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी और एक हजरत बीबी पाक दामन लाहौर में। बल्कि एक जाविये से बीबी पाक दामन हजरत मुख्तार ने मकरान के साहिल पर इन्हें पहुंचाया था। एक साहब कल मुझसे चलते हुए पूछ रहे थे कि कैसे आई यहां पर, 80 बीबियां थी ये, इन्होंने खत लिखा था हजरत मुख्तार को कि मदीने में आए दिन हम मुश्किलात और मसाइब का शिकार हैं, हमें किसी ऐसी जगह पहुंचाओ जहां के रहने वाले अहले बैत का एहतराम करते हो। तो इन्हें सिंध पहुंचाया गया था। उस वक्त में सिंध कूफे से, कूफे की मैनेजमेंट, कूफे की मुदीरियत, कूफे का गवर्नर सिंध को देखता था, और सिंध तकरीबन लाहौर से भी आगे तक का इलाका, मुल्तान तक तो मुसल्लम सिंध था, यानी तयशुदा है, बहस और मुबहसे हैं तारीख दानों में, मगर मुल्तान तक तो मुसल्लम सिंध था। आइम्मा अहले बैत की जबान पर हिंद और सिंध ये दोनों लफ्ज आए, या वो बोलते थे हिंद या उसके साथ के इलाके को वो कहते थे सिंध। अल्लाह ने जब जमीन खल्क की तो पांच दरिया जमीन की खिलकत के साथ खल्क हुए, उसमें एक दरिया दरियाए मेहरान है, ये दरियाए सिंध जमीन के साथ बना है। ये कहां से चल रहा है? गिलगित चले जाइए, ग्लेशियर के पहाड़ों से चले जाइए। हजरत मुख्तार से इन्होंने कहा था, और बहुत सारी मालूमात हैं तो, और ये तारीखी पैगामात हैं, तारीखी हकाइक हैं, और हजरत मुख्तार ने इन बीबियों को मकरान के साहिल तक पहुंचाया था। ये हजरत ताफ्ता की बेटी नहीं है, जो शुबहा डाला जाता है कि ये वहां एक मजार है एक बुजुर्ग का, ये उनकी बेटी हैं और बीबी पाक दामन नहीं है, यह वो तो कई सौ साल बाद के हैं, हजरत गंज हजरत हजवेरी, दाता हजवेरी के कई सौ साल बाद के हैं ताफ्ता साहब, जिनकी वहां मजार है लाहौर में, और दाता साहब तो इस मजार पर उनका मुसल्ला था, इराक ईरान में मुसल्ला कहते हैं, हमारे यहाँ चिल्लागाह कहते हैं, बड़े सगीर में उनका चिल्लागाह था, वहां मुसल्ला बोलते हैं, यानी जहां वो बैठकर इबादत करते थे, मुसल्ला बिछाते थे। तो दाता साहब का तो हजरत बीबी पाक दामन के मजार में मुसल्ला है, और ताफ्ता तो दाता साहब के कई सौ साल के बाद के हैं, और वो यहां बैठकर तवस्सुल किया करते थे मौला अली की बेटी से, क्या हुआ है अहले बैत के साथ, एक मरसिए का मिसरा है, कहां का मुसाफिर, कहां रह गया मदीने वाले, कहां कहां चले गए। मौला अली के बेटे भी अली थे, मगर मौला अली की बेटियों का काम भी हुसैनी है, हसनी है। जनाब रुकैया बिनते अली जो लाहौर में है, मुस्तनद मोहकम इदारा हरम में इमाम रजा ने तहरीर दी है इस मजार की तस्दीक पर, तस्दीक की है, ताईद की है कि ये मजार जनाब रुकैया बिनते अली का है, ये उन छोटे छोटे दो बच्चों की माँ है जिनके जनाजे माँ ने नहीं देखे।
जिनके जनाजे घर नहीं आए। ये हजरत अब्बास की बहन है।